Again, in this, you have to remember this. Clear? Should we go ahead? हमने अभी तक जो भी कुछ किया, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5, सम ऑफ यूनिट्स बीइंग 10 एंड डेज बीइंग इक्वल, नंबर्स क्लोज टू 100, नंबर क्लोज टू 10, क्लोज टू 1000, स्क्वायर्स ऑफ सम नंबर्स क्लोज टू मेन बेसिस, क्यूब्स ऑफ सम नंबर्स क्लोज टू मेन बेसिस, इसमें से कुछ नहीं आया. देयर इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग, समथिंग लाइक 1 2 3 3 2 1 इंटू 3 2 1 3 2 1. ऐसा नंबर का मल्टीप्लीकेशन आ गया. डू यू रियलाइज दैट इट इज अ 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम बाय 6 कॉलम मल्टीप्लीकेशन. यस, इसका जो मल्टीप्लीकेटिंग सीक्वेंस होगा दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. क्या है ये और कैसे एग्जीक्यूट होगा, आई विल शो इट यू. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड. Take one column at a time. First we will take first column. Multiply it with itself. And write. 1 1 are 1. No carry forward. Then I will take 2 columns from the right. In these 2 columns I will cross multiply and add. 2 1 are 2. Plus 2 1 are 2. 2 plus 2? 4. I'll write 4, no carry forward. Then from right side, I'll take 3 columns. Abhi jo ye 3 columns hain, ye aise padhe hue hain. I will multiply the extremes in cross and the middle ones in with themselves and add. Jahan se shuru karo, 3 ones are? 3. Plus 3? 6. 6 plus 4? 10. I'll write 0 1 carry forward. जब सिंगल कॉलम था तो आपस में, 2 कॉलम था तो क्रॉस, 3 कॉलम था तो एक्सट्रीम क्रॉस, बीच वाले आपस में. Then I'll take 4 columns from right. एक्सट्रीम वाले आपस में क्रॉस, नेक्स्ट एक्सट्रीम वाले आपस में क्रॉस और एड. तो 4 कॉलम जैसे पड़े हुए हैं, इनको एक्सट्रीम में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इनको नेक्स्ट एक्सट्रीम में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ऐड कर दोगे. यहां से चालू करो, 3 1 3 3 प्लस 1 4 प्लस 6 10 प्लस 6 16 प्लस 1 17, राइट 7 1 करी. देन आई टेक 5 कॉलम्स. इसमें मैं क्या करूंगा, एक्सट्रीम क्रॉस में, नेक्स्ट एक्सट्रीम क्रॉस में, बीच वाले आपस में और ऐड कर दूंगा. यहां से 2 1 are 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 9 21 plus 1 22, 2 carry forward. Then I take all 6 columns, extreme cross में, next extreme cross में, next extreme cross में और add कर दूंगा. 1 1 are 1 plus 3 4 plus 4 8 plus 4 12 plus 9 21 plus 3 24 plus 2 26, 6, 2 carry forward. अब 6 हो गए. अब राइट साइड से मैं कॉलम को निकाल दूंगा, बाकी 5 को ले लूंगा. एक्सट्रीम राइट वाला कॉलम इज ऑफ नो यूज. उनके साथ फिर वही 2 1 are 2 plus 6 8 plus 6 14 plus 6 20 plus 3 23 plus 2 25, आई राइट 5, 2 कैरी फॉरवर्ड. टेक रिमेनिंग 4. दिस इज 3 1 are 3 plus 9 12 plus 2 14 plus 6 20 plus 2 22, 2, 2 carry forward, goes away. Take remaining 3. 1 plus 9 10 plus 4 14 plus 2 16 6, 1 carry forward, goes away. Take remaining 2. 2 1 are 2 plus 6 8 plus 1 9, no carry forward, goes away. Take remaining 1.
3 ones are 39625627041 is the answer. Easy. इतना लंबा कैलकुलेशन किसी एग्जाम में कभी लाइफ के अंदर नहीं आएगा. मैंने किया क्यों है ये? टू शो यू दैट आई एम स्टड. आंसर इज नो. मैंने इसलिए किया है कि आपके माइंड से एक मल्टीप्लीकेशन का फियर दूर हो जाए. ज्यादा से ज्यादा 2/3 या 3/3 की कैलकुलेशन आएगी, उससे बड़ी आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी. और ये हेल्प कहां करेगा? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ये मल्टीप्लाई करना है, टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन पैटर्न क्या होगा? 1 to 1, पहले एक कॉलम 6 2s are 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, फिर 7 6s are 42 प्लस 6 48 प्लस 1 49, 9 4 कैरी फॉरवर्ड, खत्म हो गई कहानी. 7 3s are 21 प्लस 4 2592. हम लोग साथ साथ हैं सब लोग, फॉर श्योर. थ्री डिजिट करके देख लो, 324 into 423, 4 3s are 12, 1 कैरी फॉरवर्ड. इसका मल्टीप्लीकेटिंग सीक्वेंस क्या होगा? 1 2 3 2 1, फिर 2 ले लो, 3 2s are 6 plus 8 14 plus 1 15 5, 1 कैरी फॉरवर्ड. फिर 3 3s are 9 plus 16 25 plus 4 29 plus 1 30 0 3 कैरी फॉरवर्ड, खत्म हो गया. 3 2s are 6 plus 8 14 plus 3 17 7, 1 कैरी फॉरवर्ड, खत्म हो गया. 4 3s are 12 plus 1 13 137052 इज द आंसर. आर वी टुगेदर एवरीवन? फॉर श्योर. बॉटम लाइन इज, कोई भी मल्टीप्लीकेशन आपके सामने आ जाए, यू विल बी एबल टू डू इट फॉर श्योर. यस नो? यस. सो एडिशन, सो टू से, देयर इज नथिंग इन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स, दीज 5 थिंग्स वी आर मोर लेस थ्रू विद. नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिविजन, परसेंटेज, स्क्वेयर रूट्स, क्यूब रूट्स.